मैं स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं, और जो लोग भी देश को बांटने का काम करेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की राजनीति करेंगे, इसका मतलब वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और आपको बता दें, जो हालत है विगत 9 वर्षों में, जो महंगाई आकाश छुआ है, मैं आपको बता दूं, यही जनता आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आह्वान करता हूँ पूरे देश की जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूँ आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर भागलपुर में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने झंडोत्तोलन कर सलामी दी। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश बड़ी कुर्बानियों के बाद आजाद हुआ। आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। देखिए, सबसे पहले आज 76वां वर्षगांठ के अवसर पर मैं स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ। और आपको बता दें, और जो लोगों ने भी भारतवर्ष को आज़ाद कराने में जो कुर्बानियाँ दी, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कुर्बानियाँ दी, महात्मा गांधी ने जो कुर्बानियाँ दी, और कई लोगों ने पूरे देश में कुर्बानी, सबको आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनके बताए हुए रास्ते पर मैंने सबको कहा है कि चलिए, और जो लोग भी देश को बांटने का काम करेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की राजनीति करेंगे, इसका मतलब वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये पूरे कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी। सभी लोग मिलजुल के भाईचारा बनाए रखेंगे और भागलपुर, बिहार और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आपको बता दें, जो हालत है विगत 9 वर्षों में, जो महंगाई आकाश छुआ है, जो मान लीजिए युवकों को रोजगार नहीं मिला है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया वो पूरा नहीं किया, मैं आपको बता दूं, यही जनता आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आह्वान करता हूँ पूरे देश की जनता से, आइए मिलजुल के इस भारतीय जनता पार्टी को, जो देश को खत्म करने का काम कर रही है, लोकतंत्र खत्म कर रहा है, रोजगार युवकों को नहीं दे रहा, महंगाई नहीं रोक पा रहा है, उसको 2024 के चुनाव में गद्दी से उखाड़ फेंके और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बने और बिहार को और देश को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे, विकास आगे बढ़ेगा और हम लोग एकजुट होकर भारत का नाम और रोशन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे, और जनता अगर चाहेगी, और मुझे लगता है जनता चाहेगी, और आदरणीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले सभी लोगों के बलिदान को याद करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस दौरान अजीत शर्मा ने कहा कि अभी देश तोड़ने वाली ताकत जो देश के साथ गद्दारी कर रही है, वह सरकार चला रही है। देश की जनता वर्तमान सरकार से ऊब चुकी है। आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।